नमस्ते, मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और नए डिश के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ अट्टू, इसे हम अट्टू कहते हैं। चलिए आटा दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने लिया है एक बोल चावल का आटा, आधा बाटी रवा, एक टीस्पून नमक, एक बाटी गेहूँ का आटा, पानी। चलिए आटा मिक्स करते हैं। डोसा बनाने के लिए मैं आटा मिक्स कर रही हूँ, इसे हम अट्टू कहते हैं। तुरंत ही बनाया जाता है, इसे पानी डाल के हाथों से ही मिक्स करना पड़ता है। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने ये पूरा आटे में 2 लोटा पानी डाल रही हूँ। देखिए ऐसा हाथों से अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। देखिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ऐसा होना चाहिए आटा। और इसे 15 मिनट ढक के रखते हैं। अभी मैं मसाला भात बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 ग्लास इंद्रायणी चावल और 1 कप मटर, काजू, अदरक, गुड़, 2 लवंग, 2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, हरी मिर्ची, कोथमीर, तेजपत्ता, नमक स्वाद अनुसार, कड़ी पत्ता, हींग, हल्दी, आधा टीस्पून गोड़ा मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्ची और धनिया पाउडर। अब मैं चावल को धो के रखी हूँ। अब जो चावल यूज़ करते हो आप उसी से बना सकते हो। मैंने लिया है पानी 1 ग्लास चावल, तो मैं 3 ग्लास पानी ली हूँ। इसे पहले बॉईल करने रख दूँगी और एक पैन में तेल लेके मीडियम आंच पे मैं तेल गरम करने रखी हूँ। अब कलबत्ते में अदरक और हरी मिर्ची मैं कूट के लेती हूँ। आप मिक्सर भी यूज़ कर सकते हो। मैं कलबत्ते में ही कूट रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब तेल गरम हुआ है, मीडियम आंच पे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, थोड़े गरम मसाले, तेजपत्ता, हींग, कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट, वो मैं डाल के वो तेल में अच्छे से तलना है। मटर डालना है, कड़ी पत्ता, मटर ऑप्शनल है। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप आलू भी डाल सकते हो। कुछ नहीं है तो ऐसे भी बनाएंगे तो भी बहुत टेस्टी रहता है। अब काजू डाल रही हूँ। इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। अब हल्दी, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गोड़ा मसाला। इसमें सब गरम मसाले डाल के मैं पीस के रखी हूँ, मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक, कोथमीर, अच्छे से मिक्स कीजिए। दूसरे तरफ पानी गर्म हुआ है, वो पानी मैं रख रही हूँ। पानी में सभी मसाले मैं डाल रही हूँ। आप डायरेक्ट कुकर में भी बना सकते हो। मैं मटके में बना रही हूँ इसलिए मैं आपको मटके में ही दिखा रही हूँ। अब बॉईल होने दीजिए। देखिए बॉईल हुआ है। कसूरी मेथी डाल रही हूँ,
अब चावल डाल रही हूँ। लॉकडाउन में आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब गुड़ डाल रही हूँ। अब इसे पकने दीजिए, हाई फ्लेम में ही पकाना है। आप कुकर में बनाते हो तो आप जितना सीटी लेते हो वैसा आप बनाइए। अब घी डाल रही हूँ 2 टीस्पून। अब आंच को मीडियम रखूंगी। देखिए अब आंच को स्लो रखूंगी क्योंकि पूरा पानी सूख गया है। अब 5 मिनट स्लो रख के इसे पकने देती हूँ, फिर गैस बंद कर दूंगी। देखिए कितना अच्छे से हुआ है। चलिए डोसा बनाते हैं। मैं तवे पे तेल पूरा स्प्रेड कर रही हूँ। ये डोसे को वाटी से ही डालते हैं। हाई फ्लेम में रख के फिर डोसा डालने के बाद आप मीडियम फ्लेम में कीजिए। तेल डाल रही हूँ। देखिए आसानी से बनाया जाता है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब फ्लेम को आप एडजस्ट करते हुए कीजिए। इसे डायरेक्ट प्लेट में नहीं डालते, प्लेट के ऊपर एक कपड़ा डाल के उसके ऊपर डालते हैं। देखिए आटा, देखिए कपड़े के ऊपर डालने से ना अच्छे से आता है, चिपकता नहीं। अब दूसरा डोसा ट्राई करते हैं। ये डोसे को किनारे से डालना चाहिए। देखिए किनारे से डालते हैं और बीच में आते हैं, किनारे से डाल के बीच में आते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, कपड़े में ही डालना है। देखिए किनारे से डाल के फिर बीच में डालना है और ऐसे जाली जाली आना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी लगता है डोसा। अट्टू बोलते हैं हम लोग, आमरस और अट्टू कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। मैं आज आमरस बनाने का टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं पहले आम को भिगा के रखती हूँ पानी में 10 मिनट। इससे आमरस पीते हो तो पेट में किसी को दर्द होता है, हीट होता है बॉडी में, वो नहीं होता है। और किसी को मुंह में फोड़ी भी आते हैं आमरस ज़्यादा पीते हैं तो। आप ये टिप्स आपको यूज़ होएगा, यही मैं सोच रही हूँ। आप आमरस बना रही हूँ उसमें शक्कर डाली हूँ, इसमें भी दूध डालना है। दूध डालने से अपना बॉडी में आमरस पीते हैं तो हीट नहीं होता है। ये टिप आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए चावल कितना अच्छे से हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी रहता है। आप चास के साथ भी खा सकते हो। देखिए मैं आमरस, अट्टू और मसाला बात, पापड़ और आचार आज का ताली हमारा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।